अस्सलाम वालेकुम शेयर पर खुश आंती थी जब बात करेंगे चुपके चुपके के एपिसोड में ट्वेल्व के ट्रमों के बारे में आज के एपिसोड में आप लोगों ने दिखा जो मीनू है जब वो शॉपिंग पर के आती है तो काफ़ी खुश होती है वहीं पे दूसरी तरफ मिर्ची जो है वो हाथी को सब कुछ बता देती है और हाथी जो है वो फ़ोन करके बुलाता है मिशी को और दूसरी तरफ जो बकरा है सड़के का वो कोई चोर चोर जो है वो चोरी करके ले जाता है और मिशी को काफ़ी हाथी डांटता है और वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है वहीं दूसरी तरफ हानियाँ जो है वो फ़ोन पर लगी होती है कि तुम्हारी बहन जो है फैज को कहती है कि तुम्हारी बहन के आते बहुत बुरी हैं और उसको चाहिए कि वो शादी के बाद से चल जाए और इस पर गुल जो है वो काफ़ी नाराज़ होती है और फैजी और गुल जो हैं वो आपस में जो है नाराज़ हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ मस्किन जो है वो गुल को आइडिया देता है और वो जो है नया प्लान बनाने के चक्कर में लग जाते हैं वहीं दूसरी तरफ जो गुल है वो काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है मोनू मीनू से और जो आज जाती है उसकी घर और वहाँ जा वो सबको कहती है कि आपको पाँच लाख रुपया हक मैं रखना चाहिए और ये बात आप किसी मर से ना कीजिएगा एन वक्त पर हम लोग ये बात करेंगे दूसरी तरफ जो हाथी है वो जब देखता है कि ऋषि के जिस है वहाँ से फ़ोन आता है वो काफ़ी उसका जो है वो काफ़ी परेशान होता है ये देखकर उसको काफ़ी बुरा लगता है दूसरी तरफ जो फैजी और हाथी हैं वो पूछते हैं कनीस और मीनू से तो लेकिन वो कहती हैं नहीं गुल आपा कोई बात नहीं की और दूसरी तरफ जो मीनू है मीनू की ढोलकी तैयार होती है वो काफ़ी इन्जॉय करती है और जो रूमी है वो मुंह बस सोड़ के आ जाती है कि उसका जो शोहर है वो नहीं आ रहा है क्योंकि उसके रिश्तेदारों को नहीं बुलाया दूसरी तरफ जो वलीद है वो फायद के जो गुल्लक है उसको चोरी करता है उसमें से पैसे निकालता है और जो मीनू है उसके पास जाती है और उसे कहती है कि पचास हज़ार रुपये अबू के गुल्लक से हम चोरी करेंगे अपनी शॉपिंग कर ली और वलीद जो है वो नौकरी और जो वलीद है वो बगैर किसी को बताए वहां से चला जाता है और जो है मीनू जब कमरे में जाती है उसकी माँ उसको कहती है कि तुम उसके दोस्त को फोन करो जब वो जाती है तो वहां पे उसे ये जो है इन्वेल्प मिलता है जिसमें वो लिख है कि ये तीस रुपया जो है चा के गुल्लक में से चोरी किए हैं और वो जो है लेटर पड़ती है और मीनू वहां पर हैरान रह जाती है वहीं आने वाले एपिसोड हम लोग देखेंगे कि जो मिर्ची है वो आगे बताती है कि जो वलीद भैया वो भाग गए और इस जिसपे जो है काफी ज्यादा सब परेशान हो जाते हैं दूसरी तरफ जो फैजी है वो मीनू को कहता है कि मज़ा तो तब आएगा जब ख्वाहिश चाचा वलीद के जाने की भागने की वजह से तुम्हारा जो है निकाह कैंसिल कर दें लेकिन मीनू कहती है अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो और दूसरी तरफ जो हाथी है वो आसान करने लगता है मिशी को और उसे कहता है कि सारी रात मुझे तुम्हारी बातों की वजह से नींद जो है वो, है कि वो कह रहे हैं जब तक फैजी खुद नहीं बनाएगा वो नहीं आएंगे के, के परेशान होता है क्योंकि उसकी जब शादी होती है कोई ना कोई मसला निकल आता दूसरी तरफ जो मीनू है वो निकाह के लिए तैयार होती है और फैजी उसे लेने जाता है तो उसे देख हैरान रह जाता है क्योंकि वो काफी खूबसूरत लग रही होती है और फैजी उसे देखता ही रह जाता है आने वाले अपिसोड में उजीद क्या होगा कैंका निकाह हो पाएगा आपने जोर दीजिए